नमस्कार, ये खबर बिहार के गया जिले से है, जहां गया जिले के बोधगया प्रखंड अंतर्गत गोपालपुर सरकारी सुविधाओं से वंचित है। ग्रामीण जहां एक तरफ बिहार विधानसभा नजदीक आने से नेताओं में चहलकदमी बढ़ गई है, वहीं बोधगया प्रखंड के गोपालपुर गांव में सरकारी योजनाओं से वंचित है। वहां के ग्रामीण जहां एक तरफ नीतीश कुमार सरकार बड़े बड़े दावे करती है, सबका साथ सबका विकास की बात करती है, वहीं गोपालपुर गाँव में आज तक यहाँ के ग्रामीणों को राशन कार्ड नहीं बन पाया है। वहीं इस गाँव में सड़क की भी व्यवस्था जर्जर बनी हुई है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि आज तक किसी भी विधायक, सांसद या मुखिया द्वारा हमारे गांव में विकास नहीं की गई, सिर्फ चुनाव के समय में विधायक और सांसद आते हैं और बड़े बड़े वादे करके चले जाते हैं, चुनाव जीतने के बाद फिर कभी नज़र नहीं आते हैं। देखिए, गया से सतीश कुमार की रिपोर्ट। हर गाँव को नल जल योजना से जोड़ा जाएगा, क्या अभी तक आपके गांव में नल नहीं आया? नल दरवाजे पे देख सकते, कोरोना काल में सरकार जरा मुफ्त में राशन दी जा रही है, वो राशन आपको मिला ना? कुछ नहीं, मास्क तो मिलवे नहीं किया सर, कहा था डीलर बुजुर्ग भी गए हैं, सब लोग गए हैं, 20-25 आदमी गए कि हम लोग के राशन आल है दीजिए, तो नहीं तुम लोग के नहीं आल है, राशन नहीं बनल है, तो कहाँ से देंगे? आप लोग का डीलर क्यों नहीं राशन देते हैं? कहता है कि आपको राशन बन ले नहीं, कार्ड बन ले नहीं? सर, हम लोग मतलब कि बहुत वर्षों से लमसम 25-20 वर्ष से हम लोग को राशन नहीं मिल रहा है, और हम लोग बहुत जगह आवेदन भी दे चुके हैं या फिर ब्लॉक वगैरह में जाकर राशन कार्ड बनाने का प्रयत्न भी कर चुके हैं, लेकिन हम लोग को अभी तक ना राशन कार्ड मिला है, ना डीलर के द्वारा कोई मतलब कि मुहैया किया जा रहा है, और जितने भी गाँव के गरीब लोग हैं सभी लोग को मतलब कि डीलर के पास जाके या मुखिया के पास जा कर के इसका कंप्लेन किया गया, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं है। कोरोना काल में भी हम लोग को एक मतलब कि किलो भी मतलब अनाज नहीं मिला है, और सभी लोग अपने मतलब कि मेहनत मजदूरी करके जिधर तिधर से अनाज जुगाड़ कर रहे हैं, लेकिन सरकारी मुहैया एक भी नहीं करवाया गया अभी तक। वो बड़े बड़े दावा करते हैं कि हम नल जल दिए हैं या फिर साफ नीचे के तहत नली गली बनवाए, पंचायत भवन बनाए, जो भी ग्रामीण को दिए, लेकिन आप सबके सामने देख सकते हैं हमारे गाँव में क्या जर्जर स्थिति है, और ये 15 साल में एक भी विकास नहीं हुआ। हम लोग 15 सालों से नीतीश कुमार पे विश्वास किए हैं, लेकिन वो विश्वासघात किए हैं हम लोग के साथ मतलब कोई वो उचित न्याय नहीं किए हैं। अब हम लोग मतलब नहीं विश्वास करने पाएंगे नीतीश कुमार के पास। अब की बार तेजस्वी सरकार, हम युवाओं का मतलब ये सोच है कि अगर तेजस्वी सरकार को हम सरकार बनाते हैं तो हम लोग के विषय में कुछ सोचेंगे, हम लोग के भविष्य के लिए, या फिर हम लोग पूर्वजों को देख रहे हैं कि ये नाली गली में ज़िंदगी बिताए हैं, तो हम लोग ऐसा नहीं ज़िंदगी बिता पाएंगे। अब हम लोग को कुछ नया सोचना होगा, अब की बार दूसरा सरकार बनाने के लिए हम लोग सारे युवा एकत्रित हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जो इस बार चुनाव है, नीतीश सरकार तो बोलती है, हर बार दावे करती है कि नहीं हम पूरे गांव को विकसित किए हैं। नहीं सर, ये झूठा दावा है सर, ये तो मतलब कि क्या बोलेगा, अपने इलेक्शन में जीतने के लिए कोई भी कुछ भी दावा करते हैं। बोले अभी जस्ट कि अभी विधानसभा का चुनाव हुआ, कितने विधायक आएंगे वोट मांगने के लिए, कहेंगे कि हम ये बना देंगे, नली बना देंगे, गली बना देंगे, लेकिन अब 15 साल में जब नहीं बना तो इस बार कैसे विश्वास कर सकते हैं? पुराना कहावत है कि दूध से मुँह जल जाता तो छाछ भी फूक करके पिया जाता है, वही हाल है। हम लोग 15 साल विश्वास किए नीतीश कुमार पर, लेकिन कोई दावा सच्चा नहीं रहा। इस बार अब हम लोग सरकार बदलने के लिए सोच रहे हैं, अब आगे की जनता लोग का क्या राय है वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन यहाँ से तो तेजस्वी के लिए फुल बहुमत है। आपका क्या नाम? सूरज कुमार, ग्राम गोपालपुर, बोधगया प्रखंड। सवाल, जो चुनाव आने वाला है बिहार विधानसभा 2020, इस चुनाव में आप किन्हें देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर? तेजस्वी जी को देखना चाहता हूँ। ऐसा क्यों? नीतीश जी तो बहुत ज्यादा विकास किए, बहुत बड़ा बाजी किए, बहुत बड़ा बाजी किए, तो उतना किए कि जो हम लोग कचरा में घिरे हुए हैं, हम लोग सामुदायिक भवन की खिड़की नहीं बन पाया, हम लोग रास्ता बंद है, देवी स्थान प्रांगण में जाने के लिए रास्ता नहीं है, तो बल्लभबाजी से खाली काम लेते गए, इसलिए मैं उनका पसंद नहीं करता।